हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है स्वीट एंड टेस्टी डिशेस में। आज हम बनाएंगे लौकी का रायता जम्मू के मशहूर तरीके से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सबसे पहले लेंगे हम नमक, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, प्याज, लौकी और साथ में लेंगे एक कटोरी दही। सबसे पहले हम लौकी को काटेंगे। लौकी को काटने के बाद हम उसे पील करेंगे। लौकी को काटने के बाद हम उसका कद्दूकस करेंगे। लौकी हमारी कद्दूकस हो चुकी है। अभी हम लेंगे एक प्याज और उसे काटेंगे हम, और हम एक छोटी कटोरी पुदीना लेंगे और उसे काटेंगे। पुदीना हमारा कट के तैयार है। उसके बाद हम एक छोटी कटोरी धनिया लेंगे और उसे काटेंगे। धनिया हमारा कट के तैयार है। अभी हम दो हरी मिर्च लेंगे और उसे काटेंगे। अब ये कट के तैयार है। अभी हमने जो कद्दूकस किया हुआ है उसे हम पैन में डालेंगे। अभी हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे बीच में। अभी हम इसे बॉईल करेंगे 15 मिनट्स के लिए। देखें, हमारा लौकी का कद्दूकस बिल्कुल बॉयल हो चुका है और इसमें से हमने पानी निकाल लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे उखली में, उसके बाद डालेंगे हम पुदीना, उसके बाद डालेंगे हम धनिया, उसके बाद डालेंगे हम हरी मिर्च। अभी हम 1 चम्मच नमक डालेंगे बीच में। अभी हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे मिक्स करेंगे उखली में। अभी हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी हम इस मिक्सचर को डालेंगे दही में। अभी हम डालेंगे जो लौकी का कद्दूकस किया हुआ है हमने वो। अभी हम 2 से 3 मिनट के लिए मिक्सचर को मिक्स करेंगे पूरे दही में।
अभी हमारा जम्मू के मशहूर तरीके से लौकी का रायता बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए कितना लाजवाब देखने में लग रहा है ये, और खाने में इससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है ये। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।